धन जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेकंड हाईवे पे जहाज जा बलोचिस्तान के इलाके में जो मुझ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया हुआ है उनके हवाले से शिया उलमा के लोगों ने आज दूसरा दिन भी जो धरना दे दिया हुआ है और धरना बिल्कुल यहाँ जारी है। धरने में जो सियासी समाजी के लोग बिल्कुल शामिल हो रहे हैं, आइए हम सियासी समाजी लोगों से पूछते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। हम सकरण में जो अहले तशरी के दोस्तों की तरफ से जो हमारे क्वेटा में हजारा कम्युनिटी के 11 मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है उनके हक में यहाँ पे धरना दिया गया है सकरण बाईपास में। आज हम एजार यकजहती के तौर पे अपनी पूरी तंजीम के साथ हम यहाँ पे आए हैं और हमने दोस्तों को यकीन दिलाया कि आपकी ये जिद्दोजहद जब तक जारी रहेगी हम आपका साथ आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे कायद हमारे चेयरमैन बिलावल साहब भी कल गए हैं क्वेटा और वहाँ जाके उन्होंने यकीन दिलाया है, वह मजलूमों के साथ मिले हैं, इजहार यकजहती का इजहार उन्होंने किया है। तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे और मेरे साथ सारे पार्टी के दोस्त भी हैं और एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उन मजलूमों का मुतालबा सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हुक्मरान है वक्त का हुक्मरान है वो एक दफ़ा आ जाए हमारे पास लाश रख के बैठे और आ जाए हमें यकीन दिलाए हमारी मदद करे हमारे आंसू पूछे हमें दिलासा दे। लेकिन आज 6 दिन हो गए लेकिन वो वज़ीर आज़म जाने के लिए तैयार नहीं। नहायत ही शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। वज़ीर आज़म आज क्यों नहीं जा रहा है? मुझे तो जो बात समझ में आई है ये भी उन कातिलों का साथी है, इमरान खान इन कातिलों का साथी है और उनके जो बयानियाँ है कातिलों का दहशत गर्दों का ये उसका हामी रहा है हमेशा शुरू से। आप देखिए इनके बयान मच के करीब है जिला बोधान बलोचिस्तान में, वहाँ पे जो दहशतगर्दी का आज से 6 दिन पहले एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है। उनके 11 अफराद को शहीद कर दिया गया है बेदर्दी से, उनको आज 5-6 दिन हो गए हैं मगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं दिया ना उनके पास गए। कल से जो इधर धरनों का सिलसिला जारी हुआ तो हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हमें हुक्म दिया कि हम इनके जो हैं इनके साथ बैठेंगे और आज भी हम बैठे हैं ज़िला क़यादत की लीडरशिप जो हैं उनके साथ हम भी इधर बैठे हैं और हम मुतालबा करते हैं कि जो ये नाइंसाफी हो रही है अहले तशी से और ये स्पेशली हज़ारा बरादरी के साथ भाई नाते शहीद हुए बेगुनाह, हम उनके दोस्तों के साथ अहले तशी के भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर एज इंसानियत के नाते पे हम इनके साथ कट्ठे हैं, जो भी इनका फैसला होगा हम इनके साथ हैं। जब तक ये इनके कातिल जो गिरफ्तार नहीं होते उनको सज़ा नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये फैसला किया है कि पार्टी के लोग जाएँ जहाँ जहाँ भी धरना है उनके साथ शरीक है, उनके हुक्म के तहत पर आज यहाँ शरीक हुए। इंशाल्लाह हम इनके मुतालबा तस्लीम करवा के ही यहाँ से दम लेंगे, यहाँ से उठेंगे। सकरण में जहाँ में जो 11 मजदूरों को मारा गया कोटा में उनके लिए 6ठा दिन है, अभी तक कोई फैसला नहीं किया, फैसला नहीं हुआ उसी वजह से मैं हमारी मौजूद था सकरण हाईवे पे जहाँ पे ये आज दूसरा दिन भी जो धरना बिल्कुल जारी है और यहाँ जो सियासी समाजी लोग बिल्कुल धरने में शामिल हुए और हमारी बातचीत भी हुई। उन लोगों का कहना था कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान उन बलोचिस्तान जो वाकया हुआ है वो उधर नहीं जाता तब तक यहाँ हम धरना लगाए बैठे रहेंगे। पाकिस्तान टीवी रिपोर्टर अब्दुल गनी बख्शी सकरण।